morning to all my students. This is Kajal Makhija, your English instructor, and today we will learn grammar. So, why should we learn grammar? हमें grammar क्यों सीखनी चाहिए? Because it really help us in framing the sentences. It really help us in communication skills. It really help us in speaking English fluently. So, use these grammar sentences in your daily life and practice it to speak fluently in English. So, let's get started. This is class 5 and today we will start the new chapter in grammar, kinds of sentences. So, there are some conversations. Let's read this. Hari, I am so hungry. Are there any biscuits in the cupboard? Ravi, no, but there is bread. Bread is more filling than biscuits. You can make a sandwich for yourself. Hari kya bolta hai? Mujhe bahut bhook lagi hai. Kya cupboards mein kuch biscuit hai? To Ravi said that, nahi biscuit to nahi hai, but kya hai? But wahan pe bread hai. Bread वैसे भी ज़्यादा healthy होती है biscuit से. तो तुम अपने लिए क्या बना लो? Sandwich बना लो. Hari, there is no cheese in the refrigerator. How will I make a sandwich without cheese? तो हरी क्या बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर में तो चीज़ है ही नहीं, बिना चीज़ के मैं सैंडविच कैसे बनाऊं? रवि, स्टॉप कंप्लेनिंग हरी. तो रवि क्या बोलता है? कंप्लेन मत करो हरी. हरी सेड, प्लीज़ गेट सम चीज़ फ्रॉम द मार्केट, विल यू? तो हरी क्या बोलता है? जाओ जाके कुछ चीज़ ले आओ. क्या तुम ले आओगे? रवि बोलता है, ऑल राइट, आई विल गेट सम फॉर यू. बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ ले आता हूँ. तो हरी क्या बोलता है? थैंक यू. मीन वाइल आई विल स्लाइस द टोमेटोज टू मेक टमेटो एंड चीज़ सैंडविच फॉर बोथ ऑफ अस. कहता है कि ठीक है, जब तक तुम जा कर के ले आओ तब तक मैं जो है टमेटो काटता हूँ, टमेटो चॉप करता हूँ, और हम दोनों के लिए मैं क्या बनाऊँगा? टोमेटो और चीज़ सैंडविच बनाऊँगा. तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कम्प्लीट सेंस. एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक कम्प्लीट सेंस होता है, जिसमें कुछ मीनिंग होता है. तो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के कितने काइंड होते हैं, तो हमें इसमें क्या बताना है? फैक्ट और ओपिनियन. ये जो हमने कॉन्वर्सेशन पढ़ी, तो इसमें हमें बताना है कि फैक्ट और ओपिनियन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कोई एडवाइस दे रहा है या फिर किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. तो वी विल सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई एम सो हंग्री. तो ये आई एम सो हंग्री क्या बता रहा है? ये एक फैक्ट बता रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ. तो ये किस में आ गया? ये फैक्ट और ओपिनियन में आ गया कि मैं बहुत भूखा हूँ. आगे क्या है? आर देयर एनी बिस्किट्स इन द कबर्ड? क्या कबर्ड में कुछ बिस्किट हैं? ये क्या पूछ रहा है? ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कबर्ड में बिस्किट हैं. तो क्वेश्चन वाले में क्या आ जाएगा? आर देयर एनी बिस्किट्स इन द कबर्ड? दिस वन कम्स इन द क्वेश्चन सेक्शन. नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी. अभी तो हमें कोई एक्सक्लामेशन दिखा नहीं है, तो हम आगे पढ़ते हैं. नो बट देयर इज़ अ ब्रेड. अब वो आगे क्या बोल रहा है? नहीं, पर यहाँ पे क्या है? ब्रेड है. तो ये ब्रेड है तो ये क्या बता रहा है? फैक्ट बता रहा है कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है. तो ये भी किस में आ जाएगा? नो बट देयर इज़ अ ब्रेड. ये किस में आ जाएगा? फैक्ट एंड ओपिनियन में आ जाएगा. आगे वो फिर से एक ओपिनियन दे रहा है, ब्रेड इज़ मोर फिलिंग देन बिस्किट्स. तो ये भी किस में आ जाएगा? फैक्ट में आ जाएगा. यू कैन मेक अ सैंडविच फॉर योरसेल्फ. अब इसमें ये क्या बोल रहा है? ये एक एडवाइस दे रहा है उसको, ये एक सजेशन दे रहा है कि तुम अपने लिए सैंडविच बना सकते हो. तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड वाले सेक्शन में कि यू कैन मेक अ सैंडविच फॉर योरसेल्फ. तुम अपने लिए क्या बना सकते हो? तुम अपने लिए सैंडविच बना सकते हो. देयर इज़ नो चीज़ इन द रेफ्रिजरेटर. फिर से एक फैक्ट बोला जा रहा है. ये किस में आएगा? फैक्ट में आएगा कि चीज़ नहीं है रेफ्रिजरेटर में. ये एक फैक्ट है.
हाउ विल आई मेक सैंडविच विदाउट चीज, फिर से ये क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया कि मैं चीज़ के बिना सैंडविच कैसे बनाऊँ। तो वो क्या बोलता है, स्टॉप कंप्लेनिंग हरी। तो ये क्या बोल रहा है, उसको कमांड दे रहा है कि तुम कंप्लेन मत करो, डोंट कंप्लेन। प्लीज़ गेट सम चीज़ फ्रॉम द मार्केट, विल यू। तो वो उससे बोलता है, वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए मार्केट से चीज़ ला दोगे। तो ये किस में आ जाएगा, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। ऑल राइट, आई विल गेट सम फॉर यू। और फिर से ये क्या दे रहा है, ये अपना ओपिनियन दे रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। थैंक यू, थैंक यू क्या हो गया, थैंक यू हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। Meanwhile, I will slice tomatoes to make tomato and cheese sandwiches for both of us. अब ये क्या बता रहा है, ये अपना ओपिनियन दे रहा है कि ठीक है जब तक तुम ले आओ तब तक मैं हम दोनों के लिए क्या काटता हूँ, टमेटो काटता हूँ, जिससे कि हम लोग टमेटो एंड चीज सैंडविच बना पाए। तो इन सेंटेंसेस में हमने ये देखा कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें फैक्ट और ओपिनियन होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन का यूज़ होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं या फिर कोई कमांड देते हैं या फिर उनको कोई उनसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो सेंटेंस के जो हैं फोर टाइप्स हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फोर काइंड्स है सेंटेंसेस के। फर्स्ट वन इज एसर्टिव, सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज एक्सक्लामेटरी एंड फोर्थ वन इज इम्परेटिव। We will see it one by one. First one है हमारा assertive sentences, ऐसे sentences जिसमें opinion होता है या किसी fact की बात कर रहे होते हैं या कोई हम habit show कर रहे होते हैं या फिर कोई truth की बात कर रहे होते हैं, कोई ऐसा truth जो इस दुनिया में present है, जैसे कि earth revolves around the sun। ये क्या है, ये एक सच है कि earth जो है वो sun के चारों तरफ चक्कर खाती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं, ये सारे पॉइंट्स आते हैं एजर्टिव में। एजर्टिव क्या हो सकता है, एजर्टिव पॉजिटिव भी हो सकता है एंड एजर्टिव कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लुक एट दीज सेंटेंसेस, चिकन इज टेस्टियर देन फिश। वो अपना ओपिनियन बता रहा है कि उसके उसके अकॉर्डिंग क्या है कि चिकन जो है वो फिश से ज़्यादा टेस्टी होता है। अब ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन, ये एक फैक्ट है कि ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, ये एक हैबिट बता रहा है कि मैं जो है सुबह को मैं रोज़ ब्रश करता हूँ। एज यू सो सो यू शैल रीप, ये एक ट्रुथ है कि जैसा तुम बोगे वैसा तुम पाओगे। ठीक, लेट्स मूव अहेड। एन असर्टिव सेंटेंस मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, मैंने आपको बोला ये चाहे पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। शी इज़ बाइंग स्वीट्स, वो क्या खरीद रही है, वो स्वीट्स खरीद रही है। शी इज़ नॉट बाइंग स्वीट्स, वो स्वीट्स नहीं खरीद रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। इन सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ओपिनियन आ सकता है, फैक्ट आ सकता है, कोई हैबिट शो कर सकते हैं या फिर हम कोई यूनिवर्सल ट्रुथ शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विच आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं और इसके लास्ट में क्या लगा रहता है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जब हम कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ यस और नो का आंसर देना पड़ता है और एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पर्टिकुलर आंसर देना पड़ता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये भी एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जिसका आंसर हमें देना है कि हमारा नाम दिस एंड दिस, माई नेम इज़ दिस एंड दिस। ठीक, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ येस और नो का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी? तो इसका हम आंसर कैसे देंगे? इसका हम आंसर देंगे येस, अगर हमें पीना है तो हम येस बोलेंगे, और अगर हमें नहीं पीना है तो हम नो बोलेंगे। तो जो येस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, येस और नो वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो किससे बिगिन होते हैं? वो या तो इस से बिगिन होंगे, या वॉज, या वर, या एम, या आर, या हैज़, हैव, वुड, कुड। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस इन सारे हेल्पिंग वर्ब से यू स्टार्ट होते हैं। इज टॉम योर ब्रदर? क्या टॉम तुम्हारा भाई है? सो वी विल आंसर इट येस और नो। वी विल आंसर इट इन येस और नो। क्या टॉम तुम्हारा भाई है, हाँ या नहीं? आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? क्या तुम्हें गाने का शौक है? फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौक। क्या तुम्हें गाने का शौक है? तो आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, येस या नो। अब आते हैं वैसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें प्रॉपर डिटेल वे में देना पड़ता है। जो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुम, हूज एंड हाउ, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। वेयर इज़ टॉम गोइंग? टॉम कहाँ जा रहा है? ही इज़ गोइंग टू मार्केट। Whose book is this? ये book किसकी है? This book is belong to Rani. Next one is exclamatory sentences. ऐसे sentences जहाँ पे हम कोई एक sudden feeling express करते हैं, जब हम किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा upset हो जाते हैं, या फिर कभी कभी हम shocked हो जाते हैं, surprised हो जाते हैं। तो जब हम अपनी sudden feeling बताते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? Exclamatory sentences. For example, एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए, जैसे कि आप एक बहुत बड़े से होटल में गए, तो आप वहाँ पे जा कर के जो वहाँ पे उसका जो व्यू है वो देख करके आप जो हो गए सरप्राइज्ड हो गए, तो क्या आप बोलेंगे? व्हाट अ होटल इट इज़, व्हाट अ होटल इट इज़। और इसके लास्ट में क्या लगता है? इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। हाउ लवली द डे इज़, आज का दिन कितना सुंदर है। व्हाट अ लाउड नॉइज इट वॉज, कितनी मतलब कितना ज़्यादा शोर है, कितनी ज़्यादा लाउड नॉइस आ रही थी वहाँ। तो दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। जब हम कभी भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद हाउ, व्हाट, सो एंड सच। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो है अक्सर किससे स्टार्ट होते हैं? हाउ से, व्हाट से, सो से, या फिर सच से। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वो कितनी सुंदर लड़की है। हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, कितना अच्छा वेदर है। सो काइंड ऑफ यू, तुम कितने दयालु हो। सच ए लवली डे इट्स बीन, आज का दिन कितना अच्छा है। नेक्स्ट आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जब हम किसी को भी एडवाइस देते हैं, या फिर किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या फिर हम उससे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम उसे कोई चीज़ ऑफर करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये क्या है? ये हमें एक एडवाइस दे रहे हैं। फिनिश द टेस्ट विद इन एन आवर, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको टेस्ट फिनिश करना है एक घंटे के अंदर। ओपन दिस बॉक्स फॉर मी प्लीज़, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे लिए ये बॉक्स जो है ओपन कर दो। हैव अ पीस ऑफ केक, हम कुछ ऑफर कर रहे हैं किसी को कि ये लो केक खाओ।
तो अब तक हमने चार टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़े, असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर दीज, ये कौन टाइप के सेंटेंसेस है। हाउ नाइस ऑफ यू, ये किस चीज़ का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन है और ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द वुमेन लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो ये कैसा सेंटेंस है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है कि वुमेन कहाँ देख रही है, वुमेन वाटर में देख रही है, अपना रिफ्लेक्शन देख रही है वो वाटर में। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। हूज शूज आर यू वियरिंग, तुमने किसके शूज़ पहने हैं। यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो प्लीज। नाउ ट्राई टू डू दीज सेंटेंसेज बाई योर सेल्फ एंड वी विल डिस्कस इट इन डाउट क्लास। नेक्स्ट क्या एक्सरसाइज है, इंसर्ट अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेज। पंचुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमा, हाइफिन, सेमी कोलन, ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पंचुएशन मार्क्स होते हैं। और हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे पंचुएशन मार्क लगाने हैं। वेयर आर वी आर गोइंग टू द पार्क रूपा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पार्क में जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगेगा। एंड द सेंटेंस इज करेक्ट, वी आर गोइंग टू द पार्क रूपा। यू शुडंट वॉक बेयर फूट ऑन द रोड, तुम्हें जो है रोड पे नंगे पैर नहीं दौड़ना चाहिए या नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो है फुल स्टॉप मिसिंग है। वाई आर यू क्राइंग, अब यहाँ पे क्या है कि तुम क्यों रो रही हो। अब ये क्वेश्चन से क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग है। सो ऐसे ही आपको दूसरे सेंटेंसेस भी करने हैं एंड वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। अब हम देखेंगे कि अब हम सेंटेंसेस को चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। एजर्टिव टू इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव को एजर्टिव में चेंज करना है। अब हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज एन एजर्टिव सेंटेंस, कि वो क्या खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ले आएंगे और पूरा सेंटेंस वैसा ही उतार देंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ही हमें क्या करना है, एजर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये देखते हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अब आर को हमने क्या किया, आर को हमने पहले ला दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग, ठीक। अब वैसे ही हमें इंट्रोगेटिव को किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता, या फिर महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरी वन नोज हिम, एवरी वन नोज महात्मा गांधी। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एजर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, लुक एट दीज सेंटेंसेस, हाउ वी कन्वर्ट एजर्टिव इंटू इंट्रोगेटिव। पॉल एक्सरसाइजेस फॉर एन आवर एवरी डे, पॉल जो है रोज़ एक्सरसाइज करता है एक घंटे के लिए, तो ये क्या, ये कौन सा सेंटेंस है। हमें पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, डू और डज। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस है, वो कैसे बनेगा, पारुल सी सिंगुलर के साथ हमने, सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करते हैं, एंड विथ प्लूरल वी विल यूज़
डू। तो अगर यहाँ पे प्लूरल सेंटेंस होता, फॉर एग्जाम्पल दे गो टू फॉर एग्जाम्पल दे कंप्लीट देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। क्या यहाँ पे बीच में इज़ है, क्या यहाँ पे बीच में वॉज़ है जिससे कि हम इंट्रोगेटिव स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है इस सेंटेंस में। दे के बाद यहाँ पे सीधा जो है वर्ब आ गई है कि उन्होंने अपना काम जो है फिनिश कर लिया है। और दे क्या है, दे प्लूरल है। तो अभी मैंने बताया प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। डू दे कंप्लीट देयर वर्क, बहुत सिंपल है। डू दे कंप्लीट देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। वैसे ही हम देखते हैं पारुल के बाद सीधा क्या आ गया है, वर्ब आ गया है पारुल एक्सरसाइजेस फॉर एन आवर एवरी डे। पारुल जो है हर रोज़ एक घंटे के लिए एक्सरसाइज करती है। तो पारुल के बाद पारुल क्या है, पारुल सिंगुलर है, तो विद सिंगुलर वी विल यूज़ डज। तो डज पारुल एक्सरसाइज, और डज के साथ जो है ई एस हट जाएगा, एस हट जाएगा। डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो पारुल एक्सरसाइजेस फॉर एन आवर एवरी डे, तो डज पारुल एक्सरसाइज फॉर एन आवर एवरी डे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अब क्या है, दे वन द मैच यस्टरडे। विन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वन होता है, या वॉन भी आप कह सकते हैं। तो जब वी टू फॉर्म यूज होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। दे वन द मैच यस्टरडे, उन्होंने कल का मैच जीत लिया। तो डिड दे विन द मैच, और डिड के साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वी वन। हमेशा याद रखना कि डिड के साथ वी वन यूज़ होता है। और अगर एजर्टिव सेंटेंस में वी टू फॉर्म यूज़ हुई है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है डिड प्लस वी वन में। अगर एजर्टिव में वी टू यूज़ हुई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, जैसे कि ड्रैंक, और क्या हो गई सेकेंड फॉर्म, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव, उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे वन द मैच यस्टरडे, डिड दे विन द मैच यस्टरडे, वन का फर्स्ट फॉर्म क्या है, विन। अब आती है बात, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सूरज इज़ वॉकिंग ऑन द पेवमेंट, इज जो है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद सारा सेंटेंस एज इट इज कॉपी हो जाएगा। दे वर प्लॉइंग द फील्ड, वर क्या है, वर पहले आ जाएगा एंड दे प्लॉइंग द फील्ड बाद में आ जाएगा। अब आता है कि एजर्टिव को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चेंज हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, व्हाट, हाउ, सो, सच। हम ये वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं किसमें, एजर्टिव से एक्सक्लामेटरी में चेंज करने के लिए। इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, आज का कैसा दिन है, आज बहुत ही सनी डे है, बहुत तेज सूरज निकला है। तो व्हाट अ ब्राइट सनी डे इट इज़, हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक्सक्लामेशन दे रहे हैं, हम अपनी सडन फीलिंग शो कर रहे हैं कि कितना सनी डे है आज, बहुत ही ज़्यादा चमकीला और सनी डे है आज। इट्स नाइस टू सी यू, हाउ नाइस टू सी यू। अगर एजर्टिव में हम बोलेंगे कि आपसे मिलकर के मुझे खुशी हुई, तो और एक्सक्लामेटरी में हम क्या दिखाएंगे, अपनी सडन फीलिंग दिखाएंगे कि हाँ मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, हाउ नाइस टू सी यू, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं तो कभी भी एक सेंटेंस की जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होती है, मीनिंग जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। हमें ऐसे ही सेंटेंस को फॉर्म करना पड़ता है जैसे उसकी मीनिंग चेंज ना हो। चलो अब हमें चेंज करना है, फर्स्ट वन हैज़ ऑलरेडी डन, इट इज़ अ वेरी हॉट डे,
इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे, इज जो है वो पहली आ जाएगा, इज इट वेरी हॉट टुडे या इज इट हॉट टुडे, और एक्सक्लामेटरी में क्या आ जाएगा, हाउ हॉट इट इज टुडे, आज कितनी गर्मी है। ही इज वेरी पोलाइट, तो इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, इज ही वेरी पोलाइट या इज ही पोलाइट, और एक्सक्लामेटरी में क्या आ जाएगा, वो कितना पोलाइट है, हाउ पोलाइट, हाउ के बाद क्या आएगा, हाउ पोलाइट ही इज, वो कितना पोलाइट है, और एक्सक्लामेटरी का मार्क। नेक्स्ट वन देखते हैं, यू मेड मैनी मिस्टेक्स। अब मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड फॉर्म वी टू यूज हुई है, यू मेड मैनी मिस्टेक, वी टू जहाँ भी यूज होगी वहाँ पे हमें क्या यूज करना है, डिड प्लस वी वन, यू मेड मैनी मिस्टेक्स, तो डिड यू, वी वन क्या हो जाएगा, मेक, डिड यू मेक मैनी मिस्टेक्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। इसका एक्सक्लामेटरी क्या हो जाएगा, यू मेड मैनी मिस्टेक्स का एक्सक्लामेटरी क्या हो जाएगा, तुमने कितनी सारी मिस्टेक्स की हैं, हाउ मैनी मिस्टेक्स यू मेड, हाउ मैनी मिस्टेक्स यू मेड। ऐसे ही ट्राई करिए आप लोग, ट्राई टू डू दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। अब क्या आता है, चेंजिंग पॉजिटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंसेस। हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, उसमें नॉट यूज करेंगे, नॉट लगा के हम चेंज करेंगे। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, एंड डज नॉट किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई क्या होता है, आई जनरली हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टी। अगर हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम ही जो है, ही सिंगुलर है, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट, ही डजेंट वॉन्ट टी, ही डजेंट वॉन्ट टी। तो वैसे ही हमें पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन के साथ क्या आ गया, नॉट आ गया, कांट आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज सिट ऑन द चेयर, प्लीज़ डू नॉट सिट ऑन द चेयर, ये क्या आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। द लेपर्ड इज चेजिंग द स्टैग, अब इसका क्या होगा, द लेपर्ड इसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, इज नॉट चेजिंग द स्टैग। डू यू वॉन्ट सम टी, डू यू वॉन्ट सम टी, तो इसका क्या हो जाएगा, डू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। डू यू वॉन्ट सम टी, तो क्या आ जाएगा, डोंट यू वॉन्ट सम टी, डोंट यू वॉन्ट सम टी। नेक्स्ट क्या है, I have somebody to help me at home. मेरे पास कोई है जो मेरी मदद कर सकता है होम में, घर पे। अगर हमें कहना हो मेरे पास कोई भी नहीं है घर पे मेरी मदद करने के लिए, तो कोई भी का क्या हो जाएगा, I have nobody to help me at home. मेरे पास घर में कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। आगे के सेंटेंसेस आप लोग ट्राई करिए एंड वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म द टाइप ऑफ सेंटेंसेस मेंशन इन द ब्रैकेट, यूज प्रॉपर पंचुएशन। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जो पंचुएशन मार्क्स हैं वो ठीक करने हैं। हमें इस सेंटेंस को क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। वॉज अ देयर टू,
टुडे मीटिंग. अब हमें इसको करेक्ट करना है. वॉज देयर अ मीटिंग टुडे? क्या आज कोई मीटिंग है? वॉज देयर अ मीटिंग टुडे? और लास्ट में क्या लग जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा. अब हमें इसको क्या बनाना है? असर्टिव सेंटेंस बनाना है. वी टू नीड दिस गेट जॉब डन. ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है. हमें इसका फॉर्म जो है सेंटेंस का करेक्ट करना है. सबसे पहले क्या आएगा? वी आएगा. उसके बाद क्या आएगा? वी नीड. उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा. वी नीड टू गेट दिस जॉब डन. दिस जॉब डन का मतलब होता है कि हमें ये काम करना है. वी नीड टू गेट दिस जॉब डन. हमें ये काम करना है. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब टुडे. तुमने आज बहुत अच्छा काम किया. तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब टुडे. जॉब मीन्स होता है काम. आज तुमने अच्छा काम किया. नेक्स्ट देखते हैं. डू प्लीज अ मेक नॉइज लाउड नॉट. तो यहाँ पे क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है जहाँ पे हमें कमांड दिया जा रहा है कि ज़्यादा तेज शोर मत करो. तो प्लीज़ जो है प्लीज़ पहले आ जाएगा. प्लीज़ डू नॉट मेक अ लाउड नॉइस. तो ऐसे ही ये सारे सेंटेंसेस आप लोग अपनी कॉपी में करिए और ट्राई करिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं. अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे देन वी विल डिस्कस इट इन डाउट क्लास. हियर वी एंड अप आवर चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.